हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं DIY, जो कि बहुत सिंपल है। आई एम गोइंग टू डू इट इन अ वेरी सिंपल वे, जिससे आप लोग भी उसे ट्राई कर सकते हैं। एंड ये मुझे बहुत टाइम से करना था, बट यू नो DIY के लिए आपके पास टाइम चाहिए, क्योंकि उसमें आई थिंक पूरा एक दिन या सब वो ड्राई होने में या उसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो DIY के लिए यू शुड हैव लॉट ऑफ टाइम। तो मैं टाइम ढूंढ रही थी, तो आज है मेरे पास परफेक्ट टाइम। एंड आई थॉट कब से पड़ा हुआ है, तो आई शुड डू इट। तो आज का DIY इज हमारा स्टोन पेंटिंग है, जो आप लोग को पता होगा बीच पे वगैरह, अगर आप गोवा जाते हो या कोई भी बीच पे जाते हो, आपको स्टोन आर्ट दिखता है, स्टोन पे पेंट करते हो, कितने सुंदर लगते हैं। मैंने बहुत जगह पे यहाँ पे दिखा था, एंड तब से मेरे माइंड में था कि यस आई वांट टू डू दिस। एंड अच्छा है, बेसिक सा डेकोर है, और उसे आप लाइक घर में बैठे बैठे छोटा सा कोई डेकोर कर सकते हैं। तो ये कब से था मेरे माइंड में, एंड आई एम लाइक ओके दिस इज द टाइम नाउ टू एग्जीक्यूट इट। तो आज हम वही करेंगे। तो मैंने ये दो चार स्टोन है, ये आई थिंक कहीं भी मिल जाते हैं, बीच पे मिल जाएंगे या फिर यहाँ पे स्ट्रीट पे, या फिर इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे स्टोन्स, तो यहाँ पे उल्टा बहुत मुश्किल है स्टोन्स ढूंढना, बट इंडिया में तो इजीली सब जगह पे मिल जाता है स्टोन। तो मेरे पास ऐसे चार स्टोन्स है, एक उसमें से थोड़ा बड़ा है एंड बाकी तीन छोटे हैं। तो ऐसे चार हैं मैंने लिए हुए स्टोन्स, यहाँ पे मिल जाते हैं स्ट्रीट में से उठाए। तो इस पे हम स्टोन आर्ट करेंगे, एंड जो कि बहुत सिंपल है, एंड बहुत ये एक ऐसा DIY है जो टाइम टेकिंग नहीं है बिल्कुल बाकी के DIYs तुम उसके कंपैरिजन में। तो बहुत मज़ा आएगा ये करने में। तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे, तो इस स्टोन को, ये जो स्टोन है हमारे पास, इसको पहले वाइट कोटिंग करेंगे, विच इज़ नेसेसरी। डायरेक्टली हम उस पर कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, पहले वाइट से अच्छे से कोट कर लेंगे, एंड देन उसके बाद हम जो भी कलर हमें करना है वहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आर DIY। दिस विल बी वेरी सिंपल एंड नॉट एट ऑल टाइम टेकिंग, तो आप लोग भी इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले मैंने हमारा पहला स्टोन ले लिया है, और जितने भी स्टोन्स हैं उसे सबसे पहले हम वाइट पेंट करके लेंगे, बिकॉज वो ईजी हो जाता है। और उसके बाद आपके चॉइस के हिसाब से जो भी कलर आप करना चाहते हैं उस स्टोन के ऊपर वो कर सकते हैं, बट मैंने सारे स्टोन को सबसे पहले वाइट पेंट से करके लिया है, तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि स्टोन में बहुत सारे दाग और ये सब होते हैं, तो अगर आप वाइट पेंट मारेंगे तो वो इजी हो जाता है, वो ढक जाता है उसके अंदर। तो हमारा पहला स्टोन रेडी हो गया है, अच्छे से वाइट कलर मैंने उस पर मार लिया है। उसके बाद हम अब जो कलर, मैं ये कलर का स्टोन बनाने वाली हूँ, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं। मुझे, मेरा ये फेवरेट कलर है, तो मैं उस हिसाब से उस पर पेंट करने वाली हूँ, और आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी पेंट कर सकते हैं। मुझे कलर पसंद है तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। इसके ऊपर मैंने मुझे ये सबसे पहला स्टोन है, तो मैं इसे सिंपल बना रही हूँ, तो इसके ऊपर मैंने होप लिख दिया है, मुझे बहुत क्यूट लगा ये। एंड होप इज़ होप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हर एक के लाइफ में होना ही चाहिए, तो मैंने उसका एक बहुत सिंपल सा स्टोन बनाया। आप अपने चॉइस के, अपने कोई भी डिज़ाइन आपको चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टोन पेंट जो है वो रेडी है, और देखिए कितना अच्छा बना है। तो ये है हमारा सेकंड स्टोन, जिसे मैंने सेम वेव से पेंट कर लिया है, वाइट पेंट से, और उसके ऊपर पेंसिल से एक हाउस बनाया है। यहाँ पे US में RVs होती है, जिसमें RV में घर वगैरह सब कुछ होता है, और लोग यूजुअली उसे ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है। एक RV बनाई है छोटी सी, और उसमें घर, RV इज़ बेसिकली लाइक अ वैनिटी वैन, जैसे इंडिया में वैनिटीज होती है, अंदर घर वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पे उसे RV बोलते हैं। जब भी कोई भी डिज़ाइन इस पे बनाएं, हमेशा याद रखिए पहले थोड़ा पेंसिल से कर लीजिए, और उसके बाद ही इसके ऊपर पेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपने पेंसिल से बना के, अगर आपको डिज़ाइन नहीं पसंद आए तो एटलीस्ट आप रब कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली ब्रश से निकालेंगे तो उसे आप रब भी नहीं कर सकते, वो परमानेंटली
अगर आपको शायद अच्छा भी ना बने तो वही यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी विंडोज़ में फ्लावर बास्केट्स बनाए हुए हैं, जैसे हम गमले लगाते हैं हमारे विंडोज़ में, तो वैसी कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी क्यूट सी आरवी या हाउस या वैनिटी, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, वो रेडी हो गई है। कितनी अच्छी बनी है, कलरफुल है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टोन की तरफ, जिसे मैंने सेम वे एज यू नो वाइट पेंट कर लिया है, और उसके ऊपर अब मैं ये कलर लगाने वाली हूँ। और ये वही कलर है जो हमने सबसे पहले स्टोन में यूज़ किया था। तो मैं दो स्टोन जो है वो सेम कलर के बनाने वाली हूँ और दो स्टोन अलग। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा है, आप अपने चॉइस से कैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने सेम पेंट यूज़ किया है जो मैंने सबसे पहले स्टोन में यूज़ किया था। तो देखिए अब हमारा स्टोन रेडी हो गया है पेंट होके। उसके ऊपर मैंने पेंसिल से मुझे जो डिज़ाइन पसंद आती है मैंने वैसा एक पेंसिल से निकाल ली है, लाइट पेंसिल से, सो दैट वो मुझे कलर करने में ईजी हो जाए। तो मैंने क्यूट सी एक बी निकाली है, जैसे हनी बीज होती है, और नीचे लिखा है बी हैप्पी, और मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। आपको अगर और भी डिज़ाइंस या कुछ चाहिए तो आप लोग पिंट्रेस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे डिज़ाइंस मिलेंगे, बहुत सारी आइडियाज़ मिलेंगी। देखिए हमारा स्टोन रेडी है। तो आप जब भी स्टोन को देखेंगे तो यू विल ऑलवेज ट्राइंग टू स्टे हैप्पी। ये है हमारा थर्ड स्टोन एंड दिस इज़ ऑल्सो सेम वे। ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा साइज़ का स्टोन है और इसे भी मैंने सेम वे वाइट पेंट कर लिया है। और अब इसके ऊपर मैं अपने चॉइस का जो लाइट ग्रीन कलर है वो कर रही हूँ। आप कुछ भी और यूज़ कर सकते हैं। और जो अभी आप डिज़ाइन देख रहे हैं बर्ड्स और अम्ब्रेला वाला, वो मुझे बहुत क्यूट लगा, और उसे मैंने ब्लैक 4 नंबर के ब्रश से मैंने उसे ड्रॉ करके लिया है, मैंने पेंसिल से नहीं बनाया है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप सबसे पहले पेंसिल से बनाइए। और मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया। तो देखिए हमारी क्यूट सी टू बर्डीज रेडी है और कितनी अच्छी बनी है। यहाँ पे ऐसा है कि दोनों बर्ड्स बारिश चल रही है, एंड दे आर इनसाइड अम्ब्रेला, दे आर एक्चुअली अ कपल, और बहुत सारी बारिश हो रही है, तो मुझे बहुत क्यूट लगा ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमारी चारों स्टोन पेंटिंग रेडी है, कितनी कलरफुल लग रही है, और हर एक चीज़ यूनिक है। दो स्टोन्स है जो बहुत कलरफुल है, और दो है जो मैंने सिमिलर बनाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं इसे डेकोरेट करने वाली हूँ उस हिसाब से सोच के मैंने बनाया है। बट मुझे ये चारों भी स्टोन्स बहुत अच्छे लगे। तो आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरा जो कॉफ़ी टेबल के ऊपर जो एक छोटा सा ट्रे था, मैंने उसमें दो अपने कलरफुल जो स्टोन्स हैं उसको रख दिया है। या आप कहीं और आपके किसी भी कॉर्नर में या जहाँ भी जगह हो वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये कहीं पे भी बहुत सुंदर लगेंगी क्योंकि बहुत कलरफुल होते हैं। तो मैंने जो दो कलरफुल स्टोन्स थे उसे यहाँ पर रख दिया है। एंड जो मेरे बाकी के दो स्टोन थे उसे मैंने ये छोटा सा जो मेरा पॉट है, इंडोर प्लांट है, उसके अंदर रख दिया है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा प्लांट्स नहीं है आउटडोर। आप अगर प्लांट्स को इन स्टोन्स को प्लांट्स में रखेंगे तो वो और भी ब्यूटीफुल लगेंगे। तो मेरे पास ये एक ही इंडोर प्लांट है, मैंने उसमें वो दो सेम कलर के जो स्टोन मैंने बनाए थे वो सोच के वो इसी में रख दिए हैं मैंने, एंड दे आर लुकिंग परफेक्ट। मैंने आपको बताया आप किस तरीके से ये जो सिंपल सा इजी सा DIY है उसको, स्टोन को कैसे आप डेकोरेट कर सकते हो। और ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप इसे कहीं भी किसी भी कॉर्नर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, और वो बहुत प्रिटी दिखता है। वो ऐसा लगता ही नहीं कि आपने उस स्टोन पे किया हुआ है कोई पेंटिंग। तो इसके और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अगर आप पिंटरेस्ट पे जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। बट सम ऑफ द आइडियाज़ आई हैव शोड जो मेरे फेवरेट है,
आप इसे भी कर सकते हैं, जो बहुत बेसिक है और बहुत ईजी है। और ये DIY ऐसा है जो बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, फटाफट से बन जाता है। नहीं तो यूजुअली हम ऐसा सोचते हैं कि कौन बनाएगा घर पे, बट ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये बहुत ईजीली और फटाफट से बन जाती है। सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट, द मोस्ट सिंपल DIY आई हैव सीन एवर। तो अगर आपको ये वीडियो, ये DIY अच्छा लगा होगा, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, एंड आई सी यू गाइस सून विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।